अमेरिका में जब एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई तो वहां कुछ साइंसदानों ने सोचा कि क्यों ना इस कैदी पर कुछ तजर्बात किए जाए। कैदी को बताया गया कि हम तुम्हें फांसी देकर नहीं मारेंगे, बल्कि जहरीला कोबरा सांप डसा कर मारेंगे। इसके सामने बड़ा सा जहरीला कोबरा सांप लाया गया और इसकी आंखें बंद करके इसको कुर्सी पे बांध दिया गया। फिर इसको सांप नहीं बल्कि दो सेफ्टी पिन चुभाएगी। कैदी की कुछ सेकेंड में ही मौत होगी। पोस्टमार्टम के मुताबिक ये पाया गया कैदी के जिस्म में सांप की जहरीली जैसी ही जहर है। अब ये जहर कहाँ से आया जिसने इस कैदी को जान ले ली? वो जहर इसके जिस्म ने ही सदमे में जारी किया था। इसके बाद साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारे हम्बल से मुस्बत या मनफी तवानाई पैदा होती है और हमारे जिस्म में इसी के मुताबिक हार्मोन्स तैयार करती है। याद रखें 75% बीमारियों की वजह मनफी सोच है। आज इंसान खुद ही अपनी मनफी सोच से खुद को ख़त्म कर रहा है। अपनी सोच को हमेशा मुस्बत रखें और सदा खुश रहें। 25 साल की उम्र तक हम ये परवाह नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे। 50 साल की उम्र तक इसी डर में जीते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, और 50 साल के बाद पता चलता है कोई हमारे बारे में सोच ही नहीं रहा। ज़िंदगी खूबसूरत है इसलिए हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।